ये है क्या सोनेट एच टी के प्लस। आज हम देखते हैं एच टी के प्लस एंड एच टी एक्स में क्या क्या डिफरेंस है। एच टी के प्लस में हेलोजन हेडलैम्प हैं, ग्रिल सेम दी हुई है जो एच टी एक्स में भी मिलेगी, फोग लैम्प प्रोजेक्टर हैं, टायर साइज़ दोनों में सेम मिलता है 16 इंच का। एच टी के प्लस में भी 16 इंच है एंड एच टी एक्स में भी 16 इंच है, सेम विद सेम व्हील कवर, ऑटो फोल्डिंग ओ आर वी एम, डोर हैंडल्स पे क्रोम नहीं है एच टी के प्लस में, बट एच टी एक्स में क्रोम हैंडल मिलेंगे। ऑल फोर पावर विंडो, सेंटर लॉकिंग, ऑटो फॉल एंड एडजस्टेबल ओ आर वी एम्स, ये दोनों मॉडल में मिलते हैं। यहाँ पे स्टीयरिंग व्हील है वो राउंड शेप में मिलता है, डी कट स्टीयरिंग व्हील नहीं मिलता है। एंड गियर नॉब है वो सिंपल है, इस पे लेदर रैप नहीं होता है। हालांकि इंफोटेनमेंट सिस्टम भी दोनों एच टी के प्लस एंड एच टी एक्स में सेम मिलता है, सनग्लास होल्डर भी दोनों मॉडल में आपको मिल जाएगा सेम। बाकी सब चीज़ें दोनों में सेम ही हैं, जो मेन डिफरेंस है वो आ जाता है क्रूज़ कंट्रोल का। तो क्रूज कंट्रोल आपको एच टी एक्स वेरियंट में मिलेगा जो एच टी के प्लस में नहीं मिलेगा। कूल्ड ग्लव बॉक्स दोनों ही वेरियंट में नहीं है, सिंपल कूल्ड ग्लव बॉक्स मिलता है। यहाँ पे आपका यूएसबी लगाने के लिए 12 वोल्ट का पावर सॉकेट एंड एक चार्जिंग पॉइंट दिया हुआ है जो सेम दोनों वेरियंट में मिलेगा। तो लेदर रैप स्टीयरिंग नहीं मिलेगा इसके अंदर, अगर हम इससे एक ऊपर वेरिएंट में जाते हैं तो उसमें लेदर रैप स्टीयरिंग अवेलेबल है। अगर बैक साइड की बात करें तो इसमें हेलोजन टेल लैंप हैं और रियर डिफोगर भी मिलता है हमें, रियर वाइपर नहीं है। और अगर हम स्पेस की बात करें तो स्पेस इसमें नेक्सोन और एक्सयूवी 300 के कंपैरिजन में कम है। वैसे इसमें दो लोग और एक चाइल्ड आराम से बैठ सकते हैं पीछे, तीन लोग कंफर्टेबल लॉन्ग जर्नी नहीं कर सकते हैं इस गाड़ी में। इको स्पोर्ट और वेन्यू से तो कंफर्टेबल है, काफ़ी बेहतर है। एसी के आउटलेट मिल जाते हैं पीछे रियर सीट में। ओके तो ये है अब एच टी एक्स वेरियंट ऑफ किया सोनेट। तो सबसे पहले देखेंगे इसमें लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील आ रहा है, क्रूज कंट्रोल आ रहा है यहाँ पे, एंड पुश स्टार्ट स्टॉप बटन मिल जाता है। इंफोटेनमेंट सिस्टम सेम है, कूल्ड ग्लव बॉक्स इसमें भी नहीं है, एस टी के प्लस में भी नहीं है। एंड जो स्टीयरिंग है वो लेदर रैप्ड मिलता है, डी कट मिलता है, गियर नोब भी लेदर रैप मिल जाती है। और सबसे बड़ा डिफरेंस है इंटीरियर का, इसमें बीज एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन मिल जाता है, एस टी के प्लस में हमें ओनली ब्लैक मिलता है। तो इंटीरियर ये काफ़ी अच्छा है कंपेयर टू एच टी के प्लस। एंड इसमें जो स्टीयरिंग व्हील है वो सेम किया सेल्टोस से लिया हुआ है। बाकी इसमें सनरूफ आ जाता है, इलेक्ट्रिक सनरूफ मिल जाएगा आपको, एंड यू कैन स्टार्ट एंड स्टॉप द इंजन बाय यूजिंग द किया स्मार्ट की। ये साइड और बैक प्रोफाइल है एच टी एक्स की, यहाँ पे टेल लाइट है वो एलईडी मिलते हैं हमें, बाकी कोई मेजर डिफरेंस है नहीं। एंड साइड प्रोफाइल में भी डोर हैंडल है वो क्रोम के मिलते हैं, एच टी के प्लस में क्रोम हैंडल नहीं मिलते हैं। व्हील साइज़ एंड व्हील कवर सेम रहेंगे, 16 इंच के व्हील मिलते हैं विद व्हील कवर, ये एच टी के प्लस है। एंड दिस इज़ एच टी एक्स, इसमें जो लाइट्स मिलती हैं वो मिलती हैं एलईडी, एलईडी हेडलाइट एंड प्रोजेक्टर फोग लैम्प। तो जो एच टी के प्लस है उसमें हमें हेलोजन हेडलाइट मिलती हैं, फ्रंट ग्रिल सेम है डायमंड नलिंग पैटर्न के साथ, बाकी एज सच दोनों देखने में सेम ही है, कोई और डिफरेंस नहीं है।